भारत सरकार अच्छी तोपें खरीदना चाहती थी ताकि वह सीमाओं को और सुरक्षित कर सके। उसने जब इसके लिए अच्छी तकनीक की तलाश की तो तीन देश सामने आए, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। इसमें भी अंत में फ्रांस और स्वीडन ही रह गए, क्योंकि स्वीडन और ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक ग्रुप सा बना लिया था। स्वीडन की कंपनी ने ऑस्ट्रिया की कंपनी को आश्वासन दिया था कि तोप वह देगी और गोला बारूद ऑस्ट्रिया देगा। ऑस्ट्रिया इस आश्वासन के बाद पीछे हट गया और स्वीडन की बोफोर्स कंपनी फ्रांस की सोफमा कंपनी के मुकाबले में बची रह गई। स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए 80 लाख डॉलर 2020 में R60.9 मिलियन या US$37 मिलियन के बराबर की दलाली चुकाई थी। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक बातें। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। बोफोर्स स्कैम में आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा $1.3 अरब का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए $1.47 करोड़ की रिश्वत बांटी थी। बोफोर्स स्कैम का इतिहास, भारत सरकार और भारत को तोप बेचने की इच्छुक कंपनियों के बीच इस सौदे के बारे में 1984 में बातचीत हुई। नेगोशिएटिंग कमेटी की पहली बैठक 7.56 बॉन्ड 1984 को हुई। इसके बाद विभिन्न अवसरों पर यह कमेटी 17 बार मिली। सेना की पहली प्राथमिकता उस समय सोफमा तोप थी, पर 17.2 पॉइंट 1986 को सेना मुख्यालय ने पहली बार अपनी रुचि BO4 तोप में दिखाई तथा इसे सोफमा पर प्राथमिकता दी। इसके बाद तो BO4 तोप में अनावश्यक रुचि दिखाई जाने लगी। अचानक नेगोशिएशन की प्रक्रिया तेज हो गई। 17.2 1986 को सेना मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट में BO4 तोप को बाकी सब पर पहला स्थान दिया। इस कमेटी ने रहस्यमय जल्दबाजी की। इसने एक ही दिन 12/3/1986 को मीटिंग कर लेटर ऑफ इंटेंट आशय पत्र BO4 कंपनी के पक्ष में जारी करने की सिफारिश करने का फैसला ले लिया। इसी दिन यानी 12/3/1986 को संयुक्त सचिव ओ ने एक नोट बनाया ताकि रक्षा राज्य मंत्री अर्जुन सिंह, रक्षा राज्य मंत्री सुखराम, वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेजा जा सके। यह नोट उसी दिन संबंधित अफसरों और मंत्रियों को भेजा गया और उन्होंने उसी दिन उस पर सहमति भी दे दी। इस नोट पर किसने कब हस्ताक्षर किए वह इस तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। वन सेक्रेटरी डिफेंस श्री एस के भटनागर, 12/3/1986, दो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन और सप्लाई श्री PC जैन, 13/3/1986, तीन रक्षा राज्य मंत्री श्री सुखराम, 13/3/1986, चार रक्षा राज्य मंत्री अर्जुन सिंह, 13/3/1986, पांच फाइनेंशियल एडवाइजर श्री CL चौधरी, 13/3/1986, छह सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर श्री गणपति, 13/3/1986, सात फाइनेंस सेक्रेटरी श्री V वेंकटरमन, 13/3/1986, आठ वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 13/3/1986, नौ प्रधानमंत्री जिन्होंने रक्षा मंत्री के नाते हस्ताक्षर किए श्री राजीव गांधी, 14/1986। यह तालिका बताती है कि संयुक्त सचिव ओ ने 12/3/1986 को नोट तैयार किया तथा इसके बाद बहुत ही ज्यादा रुचि लेकर जल्दबाजी दिखाई गई। यह फाइल 6 विभिन्न विभागों के अफसरों के पास भेजी गई। केवल 48 घंटों के भीतर 11 अफसरों एवं मंत्रियों के संक्षिप्त हस्ताक्षर कराए गए। BO4 स्कैम में पैसों की लेन देन फरवरी 1990 में भारत सरकार ने इस कांड की संपूर्ण जांच का अनुरोध स्विस अधिकारियों से किया। इसके लिए भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों को लेटर रोगेटरी भेजा, जिसे दिल्ली की विशेष अदालत ने जारी किया। इसमें यह मांग की गई कि स्विस अधिकारी यह बताएं कि AB बोफोर्स ने AE सर्विसेज को कब और कितना पैसा दिया है। क्वात्रोची इस एग्रीमेंट को करने वाले मुख्य व्यक्ति के रूप में सामने आए। AB बोफोर्स ने उन्हें तारीख 8.9/1986 को
3741 अमरीकी डॉलर दिए जो उनके उस अमरीकी अकाउंट में जमा किए गए जो केवल इसी काम के लिए खोला गया था। स्विस अधिकारियों ने लेटर रॉगेटरी के एक हिस्से पर कार्रवाई की और भारत सरकार को आधिकारिक जानकारी दी जिसके मुताबिक एई सर्विसेज के अकाउंट में जो रकम बियोफोर्स कंपनी ने जमा कराई थी वह फिर आगे जाकर ट्रांसफर की गई। 8 दिन के अंतराल के बाद इस रकम में से 71,900 अमरीकी डॉलर 2 किस्तों में स्विट्जरलैंड के एक बैंक में ट्रांसफर किए गए। तारीख 16/9/1986 को 7,000 डॉलर और तारीख 19/9/1986 को 23,900 डॉलर ट्रांसफर हुए। ये सारी रकम जेनेवा में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में खोले गए माई कोलंबर इन्वेस्टमेंट लिमी इंक नाम की कंपनी के खाते में जमा हुई। इस अकाउंट को ऑपरेट और कंट्रोल करने का अधिकार ऑटावियो क्वात्रोची और उसकी पत्नी को था। इस रकम को ऑटावियो क्वात्रोची के निर्देश पर मैं विटेलसन ओवरसीज SA ऑफ पनामा के अकाउंट में तारीख थी 25/7/1998 को इसी बैंक में यह रकम ट्रांसफर हुई। यह कंपनी पनामा में 6/8/1987 को बनाई गई और 7/8/1988 को भंग कर दी गई क्योंकि जब स्विस अधिकारी लेटर रॉगेटरी पर काम कर रहे थे तभी तारीख 21/5/1990 को 2,000 अमरीकी डॉलर फिर से विटेलसन ओवरसीज SA अकाउंट से जो UBS जेनेवा में है निकालकर इंटर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी के अकाउंट में एनसबा शेयर लिमिट के पक्ष में सेंट पीटर पोर्ट ग्वेरेंसे में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद किन अकाउंटों में यह पैसा किन देशों में गया इसकी जांच अभी जारी है क्योंकि जांचकर्ताओं का अनुमान है कि यह कई देशों में ट्रांसफर किया गया होगा। ध्यान देने की बात है कि बियोफोर्स कंपनी ने कमीशन के नाम पर सेक 50/463/6 एई सर्विसेज को 3.9/1986 को दिए थे। इस सारी रकम को एई सर्विसेज ने ओटावियो क्वात्रोची की कोलबर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इंक के अकाउंट में जो जेनेवा स्थित UBS बैंक में था 16/9/1986 तथा 29/9/1986 को ट्रांसफर कर दिया। एबी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच हुए करार की शर्त के अनुसार भारत सरकार ने सौदे की 20% अग्रिम राशि सेक 1.6/80 तारीख 2/5/1986 को बोफोर्स कंपनी को दे दी। एई सर्विसेज ने कमीशन के तौर पर जो रकम सेक 50/4/66 बियोफोर्स कंपनी से प्राप्त की वह उस रकम का 3% बनती है जो भारत सरकार ने बियोफोर्स कंपनी को अग्रिम राशि के नाते अदा की थी। यह रकम उस अनुबंध की शर्त के अनुसार थी जो बियोफोर्स और एई सर्विसेज के बीच 15 नवंबर 1985 को हुआ था। संयुक्त संसदीय समिति की जाँच शुरू होने से पहले बियोफोर्स कंपनी का प्रतिनिधि भारतीय अधिकारियों से आकर मिला तथा उसने स्वीकार किया था कि कुल मिलाकर स्वीडिश मुद्रा में से 340 मिलियन उन कंपनी को दिया गया जो भारत से बाहर रजिस्टर्ड हैं। इस कंपनी में स्वेंसका इंक पनामा तथा एई सर्विसेज लिमिटेड यूके शामिल हैं। इन्हें यह रकम वाइंडिंग अप चार्ज के रूप में दी गई है। स्विस अधिकारियों की जांच में यह बात भी सामने आई कि बियोफोर्स कंपनी ने स्टॉकहोम स्थित स्कैंडिनाविस्का एनस्किल्डा बांकेन से 3 सितंबर 1986 को 50/4/3/966 फॉर द से अमरीकी डॉलर 7/13/2/923 के बराबर निकाले तथा उन्हें अकाउंट नंबर 1800 EPA-3 जो कि AE सर्विसेज लिमिटेड के नाम था में जमा कराया। यह अकाउंट ज्यूरिख के नॉर्ड फाइनेंस बैंक का है। इस अकाउंट को जो कि AE सर्विसेज लिमिटेड केयर ऑफ मायो एसोसिएट्स SA जेनेवा का है केवल 15 दिन पहले 20 अगस्त 1986 को माइल्स ट्वीडेज स्टार्ट ने डायरेक्टर की हैसियत से खोला था। एई सर्विसेज के इस अकाउंट से 2 किस्तों में 7,023,900 अमरीकी डॉलर निकाले गए। इसमें 70,000 अमरीकी डॉलर 16 सितंबर 1986 को तथा 1,023,900 अमरीकी डॉलर 29 सितंबर 1986 को निकाले गए। निकाली गई इस रकम को कोलबर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इंक पनामा के जेनेवा स्थित यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर 2054561.60W में ट्रांसफर किया गया। कोलबर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इंक के इस अकाउंट से पुन 7,943,000 25/7/1988 को अकाउंट नंबर 48/4/3/6 ऑफ MS विटेलसन ओवरसीज SA में ट्रांसफर किए गए। यह अकाउंट भी जेनेवा के यूनियन बैंक में ही है। MS विटेलसन ओवरसीज के इसी अकाउंट से पुन 21 मई 1990 को 9,200,000 ट्रांसफर किए गए। इस बार यह रकम अकाउंट नंबर 823893 में ट्रांसफर की गई। यह अकाउंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नस्का है जो एनवा शेयर CI
लिमी। सेंट पीटर पोर्ट ग्वेरेंसे चैनल आइसलैंड में स्थित है। ये अकाउंट AMS कोलबर इन्वेस्टमेंट लिमी इंक तथा वेटेलसेन ओवरसीज को ओटावियो क्वात्रोची तथा उसकी पत्नी मारिया क्वात्रोची कंट्रोल करती थी। जब चैनल आइसलैंड में जांच हुई तब पता चला कि यह सारी रकम 10 दिनों के भीतर जब वह ग्वेरेंसे में आई उसके बाद दोबारा स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया ले जाई गई। बोफोर्स स्कैम में CBI की भूमिका की आलोचना। CBI को इस मामले की जांच सौंपी गई लेकिन सरकारें बदलने पर CBI की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह CBI चीफ थे तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गई थी। जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है, बस देरी है तो क्वात्रोची को प्रत्यर्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद CBI की चाल ही बदल गई। इस बीच कई ऐसे दांव पेंच खेले गए कि क्वात्रोची को राहत मिलती गई। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया तो CBI ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोची के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अदालत ने क्वात्रोची के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। नतीजतन क्वात्रोची ने रातों रात उन खातों से पैसा निकाल लिया। 2007 में रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोची को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह 20-25 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। CBI ने काफी समय बाद इसका खुलासा किया। CBI ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहां की कोर्ट में काफी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया लेकिन CBI ने उसके खिलाफ वहां की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन क्वात्रोची जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की सूची में है। CBI अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और CBI क्वात्रोची को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। इस मामले को CBI ने जिस तरह से भूमिका निभाई है उसकी विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है। ध्यान योग्य कुछ बिंदु ये हैं: 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में अत्यधिक देरी। 2. अनुरोध पत्र लेटर्स रोगेटोरीज भेजने में देरी। 3. 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील न करना। 4. क्वात्रोची के लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू डीफ्रीज कर देना। 5. अर्जेंटीना से क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमजोर केस बनाना। 6. इसके बाद भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील न करना। 7. इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लेना। 8. और अंततः क्वात्रोची के खिलाफ मुकदमे को वापस ले लेना। बीओफोर्स स्कैम का प्रमुख घनाक्रम 24 मार्च 1926। भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी AB बोफोरेस के बीच 1,237 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। ये सौदा भारतीय थल सेना को 125 mm की 400 होविट्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987। यह दिन भारतीय राजनीति और मुख्यतः कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 20 अप्रैल 1987 लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी JPC का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री B. शंकरानंद ने किया। फरवरी 1928 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई 1928 JPC ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1928 भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1979 नए प्रधानमंत्री V. P. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 CBI ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला AB बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्टबो, कथित बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ।
फरवरी 1990 स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट से भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। जुलाई 1993 स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्तावियो क्वात्रो की और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वात्रो की इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घाटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी महीने वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1957 क्वात्रो की के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। मार्च अगस्त 1918 क्वात्रोकी ने एक याचिका दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1988 स्विस सरकार को दूसरा रोगेटरी लेटर भेजा गया और गर्नसी एवं ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफर किए जाने की जांच का आग्रह किया गया। रोगेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से न्यायिक सहायता की मांग करता है। 22 अक्टूबर 1999 एबी बोफोर्स के एजेंट विन चड्ढा क्वात्रो की तत्कालीन रक्षा सचिव एस के भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल आर्डबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। मार्च सितंबर 2000 सुनवाई के लिए चड्ढा भारत आया। उसने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई थी। सितंबर अक्टूबर 2000 हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वात्रोकी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया था लेकिन जब उससे जांच के लिए CBI के समक्ष हाजिर होने को कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2000 क्वात्रोकी को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। दिसंबर 2002 भारत ने क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन मलेशिया के हाई कोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 भारत ने UK को अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रोगेटरी भेजा और क्वात्रोकी के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की। फरवरी मार्च 2004 कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। मई अक्टूबर 2005 दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और AB बोफोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। 90 दिनों की अनिवार्य अवधि में CBI ने कोई अपील दाखिल नहीं की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अजय अग्रवाल को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल करने की अनुमति दी। जनवरी 2006 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और CBI को निर्देश दिया कि क्वात्रोकी के खातों के जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी जून 2007 इंटरपोल ने अर्जेंटीना में क्वात्रोकी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यर्पण के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया। अप्रैल नवंबर 2009 CBI ने क्वात्रोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया और चूंकि प्रत्यर्पण का बार बार का प्रयास विफल हो गया था इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वात्रोकी के खाते संबंधित दस्तावेज मांगे लेख